हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं कृष्णा ने वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो पे देख रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज बढ़ रहा है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, 3 पार्ट में वीडियो को शूट करना है। तो यहाँ पर 4 से 5 सेकेंड तक वीडियो को शूट कर लेना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो और काइंड मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वीडियो को एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइंड मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और आपके वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। आपको वीडियो देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद अगेन वीडियो को प्ले करता हूँ। इसके बाद आपको देखना है वीडियो कहाँ तक शूट आपने किए थे। हमने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किए हैं तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इससे बेहतरीन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ इस तरह से रोटेट होना है। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से रोटेट हुआ और इस पोजीशन में आना, जैसे हम रोटेट होते हैं और इस पोजीशन में आना है, ठीक है। इसके बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना, जो आपने टी शर्ट पहने टी शर्ट चेंज कर लेना है। तो मेरे पास शॉर्ट अवेलेबल था तो मैंने शॉर्ट पहन लिया हूँ। इसके बाद जिस पोजीशन में हम लास्ट में खड़े थे उस पोजीशन में ही आपको खड़ा हो जाना है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में आ चुका हूँ और कुछ इस तरह से आपको रोटेट होना है। तो आपको देखना है कहाँ से आपको चालू हो रहा है। तो फिर से आप देख सकते, इस पोजीशन में आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग के निशान पर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। अब वीडियो हम प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से शूट करना, इस पोजीशन में आना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से मैंने एडिटिंग किया था। इसके बाद यहाँ पे हमें स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। वीडियो स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 सेकेंड तक का चाहिए, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद लेफ्ट साइड का पार्ट को मैं ट्रिम टू लेफ्ट करता हूँ। इसके बाद क्या करना है, ध्यान रखना, इस पोजीशन में आना, इस बीच में आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि कृष्णा का वीडियो है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेक्ट आइडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आपको लेकर आ जाना है इसको। यदि आप वीडियो शूट करेंगे तो आप यहाँ पर देख भी सकते, ओरिजिनल वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया है। आपके पास माला वगैरह है तो माला भी पहन सकते हैं। इसके बाद अगेन आगे की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ से देख सकते हैं आपको कट लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हनुमान जी का वीडियो कुछ स्टार्ट होता है, इस पोजीशन में आना है, यानी कि वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। अगेन वीडियो को आगे तरफ प्ले कराना है और आपको यहाँ पर फिर से स्पीड 2 प्ले हिट करना है। तो हम आपको बताता हूँ कहाँ तक करना है। इस पोजीशन में आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट करेंगे और इसके बाद इस वीडियो को प्रेस करेंगे और इसे आपको लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद देख सकते, जैसे कि हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो हमने कुछ इस तरह से शूट किया हो तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा वीडियो को कुछ इस तरह से शूट करना है। कुछ हाथ को कुछ इस तरह से लेना है और नीचे से ऊपर की तरफ आपको उठने की एक्टिंग करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। सिंपल कुछ इस तरह से मैंने को शूट किया हूँ, ठीक है। जैसे हम ऊपर की तरफ करते हैं कुछ इस तरह से, नीचे के आने नीचे ऊपर की तरफ ऐसे वहीं पार्ट में चाहिए। इसके बाद स्पीड 2 प्ले हिट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो को अगेन क्लिक करेंगे, इस वीडियो में भी हमारा कुछ पार्ट चाहिए, ये लास्ट पार्ट का सीन है। जैसे हाथ जोड़ कर मैंने कुछ नीचे की तरफ किया हूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इस वीडियो को हमें लास्ट पॉइंट में लेकर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो में हमारा कुछ पार्ट चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद लेफ्ट साइड पार्ट को हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, अगेन आगे तरफ लेकर आना है। जैसे कि देख सकते हैं हनुमान जी ऊपर उड़ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इस पार्ट तक चाहिए, ठीक है, जहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है।
मैंने टीम टू राइट कर दिया। अब वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। यदि आपके वीडियो में कुछ भी पार्ट को आपको स्लो मोशन करना है तो सिंपल आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इस वीडियो क्लिप पर क्लिक करते हैं, लास्ट पॉइंट पर आते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को टीम टू राइट करता हूँ। इस वीडियो क्लिप पर क्लिक करता हूँ, स्पीड कंट्रोल पर आना है। यदि स्लो मोशन करना है तो सिंपल आपको यहाँ पर 0.5 कर देना है, तो यहाँ पर आपका ये वीडियो जो है स्लो मोशन हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को लगभग एडिट कर दिया, तो मैं फाइनली आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट बात का वीडियो जब शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपके हाथ में माला होना चाहिए। मेरे पास माला अवेलेबल नहीं था, इसलिए मेरा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। फाइनली हमने कुछ इस तरह से शूट किए थे वीडियो, आप देख सकते हैं फाइनली मेरा वीडियो एडिट भी हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, मेरे पे इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है, पाउडर इफेक्ट वगैरह ऐड करना है तो बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। मान लो कि एग्जांपल यहाँ पे आपको पाउडर इफेक्ट ऐड करना है, लेयर पर आना है, ओवरले पर आना है और यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक और इफेक्ट मिल जाता है फॉग का, सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख सकते चार इफेक्ट मिल जाता है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कौन सा इफेक्ट चाहिए। इसके बाद इस इफेक्ट को आपको कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है, अपने हिसाब से रोटेट करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑपेसिटी कम करना है इसका, तो ऑपेसिटी भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते अब देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो भी फॉग इफेक्ट लगाना है लगा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर ला। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आईडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।